हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल लव वेटिंग फॉर अ वीज़ा बुक समरी इन हिंदी इंट्रोडक्शन। फॉरनर बेसिक अनटचबिलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि असल में ये किस हद तक अमानवीय है। उनके लिए तो यह सोचना भी बड़ा अजीब है कि क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग गाँव से बाहर अलग थलग रहने को मजबूर हैं, वो भी ऐसे गाँव के बाहर जहाँ हिंदू लोग मेजॉरिटी में रहते हैं। ये छूत कहे जाने वाले लोग हर रोज गांव की गलियों से गुजरते हुए गंदगी और कचरा सर पर ढोके ले जाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर उनकी जूठन खाते हैं। हिंदू बनिया की दुकान से तेल मसाले खरीदते हैं तो वो उन्हें छुए बिना सामान देता है। पूरे गाँव को अपना ही घर समझते हैं, फिर भी गांव की किसी चीज को छूने का उन्हें हक नहीं है। लोग उनकी परछाई से भी बचकर निकलते हैं। अगर यह किसी को गलती से भी छू ले तो वो आदमी इन्हें 10 गालियां देकर तुरंत नहाने चला जाता है। प्रॉब्लम्स यह है कि हिंदू अछूतों को कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे बताया जाए, समझ नहीं आ रहा है। एक जनरल डिस्क्रिप्शन या इस छुआछूत के केस रिकॉर्ड और हिंदुओं का उनके प्रति ट्रीटमेंट, ये दो मेथड हैं जिनसे बात समझाई जा सकती है। मुझे लगता है कि पहले से दूसरा वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने जो यह सब बात सीखी या लिखी वो अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस पर है, तो अब मैं अपने साथ हुई उन बातों से इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, पूरे गांव की वो घटना जो बचपन में घटी थी आज भी डराती है। हमारी फैमिली असल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट के दोपोली तालुका से बिलोंग करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में मेरे 4 ब्रदर्स ने अपना पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। मेरे फादर भी फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की आर्मी में भर्ती हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए वो ऑफिसर की रेंज तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद फादर हमें लेकर दापोली में चले गए, हमेशा के लिए वहीं सेटल होने के लिए। लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हम लोग दापोली छोड़कर सतारा चले गए, जहाँ हम 1904 तक रहे थे। वो पहली घटना है जहाँ तक मुझे याद है, यहीं पर 1901 में घटी थी। जब हम सतारा में थे, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर पूरे गांव जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट के खतावा तालुका में आता है, वहाँ पर कैशियर की नौकरी करते थे। इस जगह पर बॉम्बे गवर्नमेंट का टैंक खुदाई का काम चल रहा था ताकि वहाँ की गरीब जनता को कुछ काम मिल सके। उस इलाके में हजारों लोग भूखमरी से मर रहे हैं। पूरे गांव जाने से पहले फादर ने मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी मरी हुई बहन के दोनों बच्चों को, हमारी एक रिश्ते की चाची और कुछ मेहरबान पड़ोसियों के भरोसे छोड़ दिए थे। आंटी दिल की बहुत अच्छी थी। एक तो वो बौनी थी और दूसरा उसके पैरों में कोई बीमारी थी जिसके कारण वो ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। कई बार तो हमें उसे उठाना पड़ता था, मेरी और भी बहनें थी, लेकिन सब शादीशुदा थी और अपने ससुराल वालों के साथ वहाँ से काफ़ी दूर रहती। अब आंटी से तो कुछ काम नहीं होता था, इसलिए खाना पकाने की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर। हम चारों बच्चे स्कूल जाते थे और अपना खाना भी खुद बनाते थे। रोटी बनाने मुश्किल आती थी, इसलिए हम ज़्यादातर पुलाव खाते थे, जो कि रोटी बनाने से ईजी काम था। इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता था, बस चावलों के साथ मटन मिक्स करके पका लो। कैशियर होने के नाते फादर के लिए स्टेशन छोड़कर सतारा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फादर ने हमें लेटर लिखा कि हम कोरेगांव आकर गर्मी की छुट्टी में उनके साथ रहें। कोरेगांव जाने की बात सुनकर हम बच्चे बड़े खुश हुए, स्पेशली उस वक्त तक हम में से किसी ने भी कभी ट्रेन नहीं देखी थी। हमने जोर शोर से जाने की तैयारी शुरू कर दी।
इंग्लिश स्टाइल की नई शर्ट्स खरीदी गई, डिजाइन वाली कैप्स, नए सूज, सिल्क बॉर्डर की धोती। जाने से पहले हमने सब कुछ खरीदा था। फादर ने हमें ट्रैवलिंग के बारे में सब कुछ समझा दिया और ये भी बोला कि डेट हम उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दें ताकि वो हमें लेने अपना पियॉन भेज सके जो रेलवे स्टेशन से कोरेगांव लेकर जाएगा। इस प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद में मेरे बड़े भाई और मेरे सिस्टर के बेटे हम तीनों कोरेगांव के लिए निकल पड़े। आंटी को हमने सतारा में छोड़ दिया और पड़ोसियों को उनकी देखभाल करने के लिए बोल दिया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से कोई 10 मील दूर था। हमने स्टेशन जाने के लिए एक तांगा लिया। हम लोग नए नए कपड़े पहनकर बैठे थे। पीछे से हमारी आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। हमसे दूर रहने की बात से उनकी आधी जान निकल रही थी। स्टेशन पहुंचकर मेरे भाई ने टिकट्स ली, मुझे और मेरे सिस्टर बेटे को दो दो आने की पॉकेट मनी दी। पैसे हाथ में आते ही हम नवाब हो गए। हमने लेमनेट खरीद कर पी। कुछ टाइम बाद ट्रेन की विजल बजी। हमें लगा कहीं हम छूट न जाए, इसलिए जल्दी से हम ट्रेन में चढ़ गए। हजर ने हमें मसूर में उतरने को बोला था जो कोरेगांव के सबसे पास वाला स्टेशन था। ट्रेन शाम के 5 बजे मसूर स्टेशन पर पहुंची। हम लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरे। हमारे साथ जो लोग उतरे थे सब अपने अपने रास्ते जा चुके थे। बस हम चारों ही प्लेटफॉर्म पर रह गए थे अपने फादर या उनके सर्वेंट के इंतजार में जो हमें लेने वाले आने थे। हमने बड़ी देर तक वेट किया मगर कोई नहीं आया। 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमसे टिकट दिखाने को बोला तो हमने दिखा दिया। फिर उसने पूछा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हमें लेने हमारे फादर या उनका सर्वेंट आने वाले थे, मगर वो लोग आए नहीं और हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम। हम लोगों के कपड़े और हाव भाव से कोई नहीं बोल सकता था कि हम अछूत हैं। स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि हम शायद ब्राह्मण के बच्चे हैं, इसलिए उसे हमसे बड़ी हमदर्दी से बात हो रही थी। और जैसा कि हिंदुओं में रिवाज है उसने हमारी कास्ट पूछ ली। 1 सेकंड में मेरे मुंह से निकला कि हम मातर हैं। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक ही पल में उसका रंग बदल गया। उसके चेहरे से नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। जैसे उसने सुना कि हम कौन हैं वो तुरंत वापस अपने रूम में चला गया और हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। 15 से 20 मिनट और गुजर गए। सूरज डूबने जा रहा था। मेरे फादर और उनके सर्वेंट का कहीं पता नहीं था। लास्ट में स्टेशन मास्टर भी अपने घर चला गया। हम लोग बेहद मायूस हो गए। इस खुशी और मस्ती में हम घर से निकले थे अब उदासी बदल गई थी। 1/2 घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आए और पूछा अब तुम लोगों ने क्या सोचा। हमने कहा अगर हमें कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव के लिए निकल लेंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे अगर ज्यादा दूर नहीं हुआ तो। स्टेशन के बाहर कई सारी बैलगाड़ियां सवारी के इंतजार में खड़ी थी मगर हमारे महार होने की बात फैल गई थी, इसलिए कोई भी गाड़ी वाला हमें ले जाने को तैयार नहीं था। हम अछूत थे ना कि उनकी गाड़ियों को गंदा जो कर देते। डबल किराए का ऑफर भी काम नहीं आया। हमारी तरफ से बार्गेन करने वाला स्टेशन मास्टर जो अब तक खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था अचानक हमसे पूछने लगा क्या तुम बैल गाड़ी चला सकते हो। हमें लगा शायद वो हमारी हेल्प करना चाहता है तो हमने चिल्लाकर बोला हाँ हम चला सकते हैं। तो ठीक बैलगाड़ी तुम चलाओगे मगर तुम्हें गाड़ी वाले को डबल किराया देना होगा और वो पैदल तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इस शर्त के साथ एक गाड़ी वाला हमें अपनी गाड़ी देने को तैयार हुआ। आखिर होता भी क्यों नहीं, एक तो उसे डबल भाड़ा मिल रहा था और ऊपर से उसे किसी को अछूत के साथ भी नहीं बैठना पड़ेगा। अब शाम के 6:30 हो चुके थे। हम रात होने से पहले कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने गाड़ी वाले से पहले ही पूछ लिया कि कोरेगांव अभी कितनी दूर है और हमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन उसने हमें अश्योर किया कि कोरेगांव 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी बात का यकीन करते हुए हमने अपना सामान चढ़ाया और बैलगाड़ी में बैठ गए।
जाने से पहले हमने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। हम में से एक ने गाड़ी हाँकने की जिम्मेदारी ली और सफर शुरू हुआ। गाड़ी वाला हमारे साइड में ही चल रहा था। अभी स्टेशन से कुछ ही दूर एक नदी पड़ती थी। नदी सूखी पड़ी थी, बस कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ था। गाड़ी वाले ने हमसे बोला, यहाँ रुक कर थोड़ा खाना वाना खा लो, आगे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। हमने उसकी बात मान ली और गाड़ी रोक दी। उसने बोला, मुझे मेरे किराए में से थोड़े पैसे दे दो, पास के गांव जाकर खाना खा के आता हूँ। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए। मैं जल्दी से खाना खाकर लौटता हूँ, उसने बोला और चला गया। भूख तो हमें भी बड़े जोरों की लगी थी, तो हम भी खाना निकाल कर खाने लगे। आंटी ने पड़ोसियों को बोलकर रास्ते के बढ़िया खाना बनवाया था। हमने टिफिन बॉक्स खोले और खाने बैठ गए। हम में से एक पानी लेने नदी किनारे गया, मगर वो वहाँ पानी की जगह कीचड़ भरा हुआ था, जिसमें जानवरों का गोबर भरा हुआ था। यह पानी इंसानों के पीने लायक तो हरगिज नहीं था। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि हमें उल्टी आ गई। हमने खाने के डब्बे बंद कर दिए और गाड़ी वाले का वेट करने लगे। उसका कहीं आता पता नहीं था। फिर बड़ी देर बाद वो वापस आए, तो एक बार फिर हमने जर्नी स्टार्ट की। कोई 4 या 5 मील चलने के बाद अचानक वो गाड़ी में चढ़ गए और गाड़ी खुद हाँकने लगा। उसकी हरकत बड़ी अजीब थी। पहले तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था कि कहीं हमारे टच करने से वो गंदा ना हो जाए, और अब खुद गाड़ी चला रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। खैर, डर के मारे हमने उससे कुछ पूछा भी नहीं, बस यूं ही चुपचाप बैठे रहे। हमें तो बस कोरेगांव पहुँचने जल्दी थी। बैलगाड़ी चलती जा रही थी, हम सब खामोश थे। यूं ही चलते चलते थोड़ी देर बाद रात का अंधेरा छा गया। रोड्स में स्ट्रीट लैंप ना होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर सड़क भी एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक ना आदमी था न कोई। हमारी जान सूख रही थी। मसूर से चले हुए बहुत देर हो गई थी। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का सफर हो चुका था। अब तक तो कोरेगांव आ जाना चाहिए था। हमें अब कुछ शक सा हो रहा था कि जरूर ये गाड़ी वाला हमें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार डालेगा, क्योंकि हमने अच्छे कपड़े और गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी और पैसे भी थे हमारे पास। बेसब्री में हम जब भी उससे पूछते, भैया कोरेगांव और कितनी दूर है, तो उसका एक जवाब होता, ज़्यादा दूर नहीं, बस पहुँचने वाले हैं। अब तब रात के 10 बज चुके थे, मगर कोरेगांव नहीं आया था। हम लोग बड़ी देर तक रोते रहे और उस गाड़ी वाले को कोसते रहे, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी हमें दूर से लाइट जलती दिखाई दी। गाड़ी वाले ने पूछा, तुम्हें वो लाइट दिखाई दे रही है? ये टोल कलेक्टर की लाइट है, हम रात को यहीं रुकेंगे। सुनकर हम थोड़े रिलैक्स हुए। जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ टोल कलेक्टर का हट था। हमने सवाल पूछ पूछ कर गाड़ी वाले की जान खा ली, कब पहुँचेंगे, हम सही रोड से जा तो रहे हैं ना, कितने टाइम और लगेगा वगैरह वगैरह। और पूरे 2 घंटे बाद फाइनली आधी रात के वक्त बैलगाड़ी टोल कलेक्टर के हट पे आ रुकी। यह जगह एक पहाड़ी के नीचे थी हमारी तरफ। वहाँ कई सारी बैलगाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। सभी यहाँ पर रात को रेस्ट करने के लिए रुके थे। अब तक हमें जोरों की भूख लगी रही थी। खाना तो हमारे पास था लेकिन पानी नहीं था, तो हमने अपने गाड़ी वाले से पूछा कि हमें पानी मिल सकता है क्या। गाड़ी वाले ने कहा, टोल कलेक्टर हिंदू है और अगर तुमने बोला कि तुम महार हो तो पानी मिलने का सवाल ही नहीं है। ऐसा करो, खुद को मुसलमान बता दो, तब वो शायद तुम्हें पानी दे दे। उसकी एडवाइस पर मैं टोल कलेक्टर के पास गया और पूछा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कौन हो तुम? उसने पूछा, हम मुस्लिम हैं। क्योंकि मुझे अच्छी उर्दू आती थी इसलिए मैंने ये बात उर्दू में उसे कन्विंस करने के लिए बोली। उसे हम पर शक तो नहीं हुआ, लेकिन पानी हमें फिर भी नहीं मिला। उसने बड़े टूडिली कहा, तुम्हारे लिए किसने यहाँ पानी रखा है? ऊपर पहाड़ी पर पानी मिल जाएगा, अगर चाहिए तो जाकर ले आओ, मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। मैं गाड़ी के पास आया और अपने भाई को सारी बात बताई। मुझे नहीं पता उसे कैसा फील हुआ, मगर उसने हम सबको सोने के लिए बोल दिया। बैलों को गाड़ी से खोल दिया गया था। गाड़ी को नीचे ज़मीन पर रखा गया, जिसके अंदर हमने अपने बिस्तर लगाए और सोने के लिए लेट गए। यहाँ काफ़ी लोग थे इसलिए अब हम बेफिक्र होके सो रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। हमारे पास खाने की ढेर सारी चीज़ें थी,
और भूख भी काफ़ी लगी थी, लेकिन बस पानी नहीं था। और हमें पानी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम अछूत थे। और यही एक ख्याल बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैंने बोला, हम सेफ जगह पर हैं इसलिए चलो सोते हैं। लेकिन मेरा भाई नहीं माना, हम चारों एक साथ सो जाएं यह बात उसे ठीक नहीं लग रही थी। कुछ भी हो सकता है, इसलिए दो लोग सोएंगे और बाकी दो पहरा देंगे, उसने आइडिया दिया। और इस तरह बारी से बारी सोकर हमने पहाड़ी के नीचे वो रात गुजारी। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ी वाला आया और बोला, कोरे गांव के लिए निकलते हैं। मगर हमने साफ मना कर दिया, 8 बजे से पहले हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, अब हम कोई चांस नहीं ले सकते। गाड़ी वाला चुप हो गया। ठीक 8 बजे हम कोरे गांव के लिए निकल पड़े और करीब 11 बजे कोरे गांव पहुँचे। मेरे फादर ने जब हमने देखा तो सरप्राइज रह गए। दरअसल उन्हें हमारे आने की कोई खबर नहीं थी। हमने इंफॉर्मेशन दी थी मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। बाद में पता चला कि सारी गलती दरअसल सर्वेंट की थी। उसे हमारा लेटर मिला मगर वो फादर को देना भूल गया। इस घटना का मेरी लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तब मैं सिर्फ 9 ईयर्स का था, लेकिन आज भी इस घटना का असर मेरे दिल दिमाग में उतना ही गहरा है। मुझे ये मालूम था कि मेरा जन्म एक अछूत फैमिली में हुआ है, मगर अछूत के साथ असल में कैसा सलूक किया जाता है यह बात मैं बड़े अच्छे समझ चुका था।